YDSC के अंदर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है सिमिलर टू S1 S2। आपको फ्रीक्वेंसी की बने आपको सी पता है, यहाँ से लैम्डा आ गया एक। तो उसके बाद तो डी की वैल्यू स्मॉल डी की बने इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालो। अगर आपको याद हो तो पाथ डिफरेंस थीटा की फॉर्म में, मैंने आपको लास्ट टाइम एक टॉपिक करवाया था, पाथ डिफरेंस थीटा की फॉर्म में क्या होता है, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, तो यहां से फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। तो यहां से डी की वैल्यू 150 गिवन है, साइन थीटा की फॉर्म में फेज डिफरेंस आ गया, पर आपको तो इंटेंसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के अंदर I नॉट, अब वो क्या कह रहा है, जो इंटेंसिटी I नॉट है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर I नॉट है तो 4 I नॉट की जगह I नॉट पुट करेंगे, इस phi की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे पुट करेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके इक्वल आएगी। अब वो कह रहा है कि थीटा 0 और 30 और 90 पे इंटेंसिटी निकालो, रिजल्टेंट थीटा को 0 पुट करो आंसर, 30 पुट करो 90 पुट करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज की वैल्यूज आ जाएंगी टर्न। तो क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन को भी देख लो। मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा गिवन है 5000, इज इंसिडेंट ऑफ टू स्लिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ गिवन स्मॉल डी, इंटरफेरेंस इज सीन ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कैपिटल डी गिवन है, अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस बिटवीन वन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो एक स्लिट में ग्लास स्लैब को रख दिया तो पैटर्न शिफ्ट होता है। फाइंड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इफ इंटेंसिटी देयर इज आई नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, स्लैब रखने के बाद इंटेंसिटी क्या होगी ये आपको बताना है, और लेटरल शिफ्ट की वैल्यू भी बतानी है क्या होगी। तो मुझे ये पता है कि जो डेल्टा एक्स है शिफ्ट, देखिए पाथ डिफरेंस स्लैब डालने के बाद क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ म्यू इनटू टी कवर करेगा। वैसे उसने कितना कवर करना था, टी कवर करना था। ग्लास स्लैब की थिकनेस अगर टी है, अगर वो वैक्यूम होता तो टी सीधा चला जाता, पर ग्लास स्लैब की वजह से म्यू इंटू टी है, तो शिफ्ट यानी कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेव ने कितना ट्रेवल किया, म्यू टी माइनस टी यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, तो फेज कितना कवर किया, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस फेज कवर किया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 5 पुट करो आंसर। और फ्रिंज शिफ्ट कितनी हुई, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ, d/d म्यू माइनस 1 इंटू टी आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन है।